जॉय को देखकर ग्रैंडपा को लगा कि वो अपने परिवार की खोई हुई इज्जत वापस पा सकते हैं। उन्होंने रॉय को फ्लेमिंग लायन दिया। ये वो रेस कार है जो उसके पापा ने बनाया था। द फ्लेमिंग लायन की वजह से रॉय लाइमलाइट में आ गया। उसके कैप्टन ने उसका मजाक उड़ाया और उनके बीच एक जबरदस्त जंग शुरू हुई। देखते हैं कि वो कौन सा इंजन यूज करता है। पर ये है क्या? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं इसे इनलाज करता हूँ। अरे नहीं, ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? ये तो वायरस आ गया है। शायद गैलेक्सी को पता चल गया कि हमने उसका कंप्यूटर हैक कर लिया है। मैं नहीं देख पाया कि वो कौन सा इंजन यूज कर रहा है। रॉय, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपने भाई की जासूसी कर रही हो? मेरा भाई तुम्हें आसानी से हरा सकता है, फिर जासूसी करने की क्या जरूरत? अच्छा, तो तुम अपने भाई के साथ हो। जाओ और उसे कह दो कि वो कल हारने वाला है, समझी तुम? लेट्स गो। गो अहेड, मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरा भाई डेमोन इंजन यूज करता है, तुम लोग कल हारने वाले हो। द डेमोन इंजन, मैंने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। ऐसा कहा जाता है कि वो मैग्नेटिक स्टील से बना है जो इंजन को लगातार तेज घूमने में मदद करता है और एक अच्छी स्पीड में अचीव करता है। डेमोन इंजन, ये तो वो इंजन है जो गैलेक्सी चैंपियन जैक यूज करता था। तुम्हें द फ्लेमिंग लायन को अपग्रेड करना होगा। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर इतने शॉर्ट नोटिस पर डेमोन इंजन मिलेगा कहाँ? तुम्हें लेने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स एडजस्ट करके द फ्लेमिंग लायन की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, समझे तुम? क्या सच में? अरे रॉय, हमने फिर से सिंडी को गलत समझ लिया। सिंडी, क्या तुम्हारे पास कोई तरकीब है? हाँ? मैं रेसिंग नहीं करने वाला हूँ, फिर मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ? सेम हियर, हमने सुना है कि गैलेक्सी एक फेबुलस रेसर है, पर हमने उसे रेसिंग करते हुए कभी नहीं देखा है, पर आज देखूंगा। रॉय, मैंने जो कहा तुम उसे याद रखना। ओके, अब बस भी करो। रॉय, मैं नहीं चाहता कि ये लोग कहें कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तुम लोग अभी पीछे हट सकते हो। रॉय, चैलेंज एक्सेप्ट करो। मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। तुम काफी समय से कैप्टन हो, अब बदलाव का वक्त आ गया है। हाँ, रेस शुरू होने से पहले ये लोग लड़ रहे हैं। अरे लगता है ये रॉय बर्बाद होने वाला है। ये रेस शुरू हो गई है, जल्दी चलो। ये एक प्राइवेट रेस है, तुम अंदर नहीं आ सकते, इसी स्क्रीन से देखो। रॉय, याद है ना मैंने क्या कहा था? लीड लो, गैलेक्सी बहुत होशियार है। अगर वो आगे होगा तो तुम्हें उसे ओवरटेक करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें जल्दी ही अपनी चाल चलनी होगी और अपना कर्व लेना होगा। लीड लो, समझे तुम? वो काफी तेज है, लगता है उसने फ्लेमिंग लाइन को अपग्रेड किया है। उसका डेमोन इंजन वाकई काफी पावरफुल है। ये तो टफ मैच है, दोनों को पहले से ही कब लेना है। मुझे उससे तेज होना ही होगा। क्या बात है? ग्रेट, मैं अब गैलेक्सी से आगे हो गया हूँ। थैंक यू सिंडी। सिंडी, तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? क्या ये एग्जिट है? सही कहा,
ये एक स्टील बेयरिंग एक्सल है। ये फ्रिक्शन को कम करता है और कार के कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करता है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं समझ गया, व्हील में जाने से पहले इंजन की एनर्जी को काफी एक्सेस से गुजरना चाहिए ताकि इससे फ्रिक्शन कम हो और इससे कार की कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाए और इससे फ्लेमिंग लाइन तेज हो जाएगी। इससे मैं गैलेक्सी को हरा दूंगा। वाह सिंडी वाह, तुम्हारे प्लान को दाद देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया प्लान है सिंडी। शायद फिर तुम गैलेक्सी को मैच कर सकते हो। थैंक यू सिंडी, थैंक यू वेरी मच। स्टील बैरिंग एक्सेल इंस्टॉल करने के बाद द फ्लेमिंग लाइन की स्पीड बढ़ गई है, पर ये सिर्फ गैलेक्सी से मैच करने के लिए है। गैलेक्सी कभी भी उससे आगे निकल सकता है। अभी भी रॉय का जितना मुश्किल लग रहा है। गैलेक्सी की कार बहुत ही पावरफुल है। द फ्लेमिंग लाइन की स्पीड रातों रात कैसे बढ़ गई? सिंधी ने जरूर रॉय की मदद की है, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या हुआ, जैसे तुम्हें नहीं पता गैलेक्सी कितना अच्छा है, वो भी तो हीरो है। पर आज वो अपने फॉर्म में नहीं दिख रहा। उसने शुरुआत में रॉय को अपने आगे जाकर पास करने दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। रेस को जरा गौर से देखो, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? कैप्टन ने अभी कहा पर अपनी स्पीड कम कर दी। उसने अपनी स्पीड कम कर दी क्यों? क्या वो उसे जीतने दे रहा है? आखिर वो क्या करने जा रहा है? ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर वो हार गया तो उसे टीम छोड़कर जाना पड़ेगा। ये यही साबित करता है कि उसे भरोसा है कि वही रेस जीतेगा। द फ्लेमिंग लाइन तेज और स्टेबल है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके एक्सेल बदल दिए गए हैं और मुझे भी यही करना होगा, मुझे उसे बदलना होगा। Damn it, वो अभी मेरे पीछे क्यों आ रहा है? गैलेक्सी ठीक रॉय के पीछे है। अरे ये तो उसके साइक के जैसे पीछे पड़ गया है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक्सल बदलने से तुम जीत जाओगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। हम फॉललेस ट्रैक की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ गए तुम? बहुत सारे टेक्निक्स पर रेस का कर्व देखना हमारे या हमारे ब्रांड की ट्रेडिशन है, इसलिए मैं तुम्हें शुरुआत में जीतने दे रहा था, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये पता चले कि असली रेसर कौन है। क्या गैलेक्सी उसे पास करने वाला है? यहाँ साइड वॉल्स नहीं है, कार ट्रैक से गिर जाएगी, वो रॉय से हारने वाला है। केयरफुल कैप्टन। गैलेक्सी रॉय को पास करने वाला है। क्या वो पागल हो गया है? वो ट्रैक से गिर जाएगा, वो तो मुझे पास कर रहा है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? The Thundering Hawk ने The Flaming Lion को पास कर दिया। ये कैसे हो सकता है? गैलेक्सी ने साइड टायर्स को रियल टायर्स के साथ बदल दिया, जिससे उसकी ग्रिप बढ़ जाए ताकि जब कार तेजी से कर्व ले रही हो तो वो गिरे नहीं। ये बात मैंने क्यों नहीं सोची? इसलिए कैप्टन गैलेक्सी दूसरों से अलग है। पॉल, इसे कहते हैं कार को बदलना। लगता है गैलेक्सी अपने नाम की तरह प्लेनेट ट्रेल रिवर का बेस्ट रेसर है। मुझे इसी बात की चिंता है। मुझे पता है कि गैलेक्सी कुछ ऐसा जरूर करेगा जो सबको चौंका देगा। रॉय, वही रुको। अब तुम देखो, मैं तुम्हें फिर से पास करूंगा। मैं तुम्हें इतने आसानी से ये नहीं करने देने वाला। ट्रिमेंडस स्पीड। तुम अकेले ही हो जो मेरे सामने इतनी देर तक टिके हुए हो। मैं आ रहा हूं, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें अभी पास करूंगा। अरे आगे जाओ, वाह आगे जाओ। वो उसे स्ट्रेट अवे पास करने वाला है। ये एक झूठी उम्मीद है कि वो थंडरिंग हॉक को स्ट्रेट अवे पास करेगा। तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि थंडरिंग हॉक स्पीड के लिए बनी है। परफेक्ट डिजाइन और लाइट, लो फ्रिक्शन और हाईली डेंस एक्सल, और द डेमोन इंजन जो मैग्नेटिक स्टील का बना है,
जो घूमता है कार को अल्टीमेट बूस्ट देता है। ये तो इस कार की असली पावर है। आगे आगे देखो होता क्या है। अब देखना रॉय कैसे हारता है। इसका मतलब है कैप्टन रॉय को स्ट्रेट अवे पर बिना किसी तकलीफ के हिला कर रख देगा। हाँ, वो कितनी तेज जा रहा है। वो फिर से स्लो क्यों हो गया? क्या वो उसे हराना नहीं चाहता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? कैप्टन अब क्या चाल चलने वाले हैं? क्या करेंगे वो? क्या वो रॉय को हराएंगे? रॉय, मुझे तुम्हें हराने के लिए सिर्फ 70% डेमोन इंजन का ही यूज करना है। बेवकूफ, तुम मुझे बीच में ब्लॉक कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें पास ना कर सकूं। ये गैलेक्सी बहुत लाजवाब है। वो सुपर हीरो है। अरे क्या वो उससे उलझ नहीं रहा? ये तो हार जाने से भी बहुत बुरा है। ये कितनी शर्मनाक बात है। रॉय तो एक बिना सर का मुर्गा लग रहा है। गैलेक्सी रॉय को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। रॉय का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ऐसा मत करिए, वो काफी इंप्रूव कर रहा है। उसने पहले ही स्पाइक और ओवेन को हरा दिया है। क्या सच में? लगता है फ्लेमिंग लाइन को डेमोन इंजन पर इंस्टॉल करने का वक्त आ गया है। मुझे नहीं लगता कि वो उसका सही वक्त है। आप क्या कहना चाहते हैं? एक्सपर्ट से रेस करने के लिए अच्छा स्किल चाहिए। रॉय अभी बहुत छोटा है। बिल्कुल सही कहा आपने। रॉय को अभी भी गैलेक्सी से बहुत कुछ सीखना है। पर उनकी तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। आपने उन दोनों को कई बार देखा भी होगा। हाँ, ये अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, एनीवे हम चाय पीते हैं। क्या वो जल्दी खत्म नहीं कर सकते? अरे उन्हें तो अंत तक लड़ना ही होगा। मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें पास करने वाला हूं। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम बेकार में अपनी मेहनत वेस्ट कर रहे हो। रॉय, बस तुम पहुंचने ही वाले हो। तुम कर सकते हो। मैं उसे इस कर्व से पास करने वाला हूं। ओह नो, आज ट्रैक पर इतना पानी कहां से आ गया? ये तुम्हारा बैड लक है रॉय। अगर तुमने स्पीड बढ़ाई तो तुम्हारी कार फिसल जाएगी। तुम्हारी तो टायर टायर फेस हो गई। अब मैं क्या करूं? रॉय, यू रॉक। ये मेरा आखिरी चांस है। गो रॉय। मुझे लग रहा है मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूं। उसे पास करने का सही मौका आ गया है। रॉय अब फिर से कैसे आ गए हैं? रॉय, रॉय द चैंपियन। ये तो एक जादू है। जादू लगता है भगवान रॉय के साथ है। बस उसकी किस्मत अच्छी है। ये गैलेक्सी के लिए अच्छी बात नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ से ट्रैक नैरो होना शुरू हो रहा है। अब उसके पास रॉय को पास करने के लिए जगह ही नहीं है। तुम गलत हो। वहाँ दूसरा कर्व है जो वो पास कर सकता है। वहाँ कर्व है पर वो वहाँ से पास नहीं कर सकता। देखते रहो आगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो पास कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, अरे सारे जवाब मैं ही दूँ क्या? ठीक से देखो, तुम्हें दिख नहीं रहा? वहाँ ट्रैक पर क्रैक है। अगर कैप्टन वहाँ से पास करेंगे तो उनका आगे का पहिया वहाँ फंस जाएगा। Oh, yeah!
अगर रॉय की कोई गलती नहीं है तो वो जीत जाएगा। हाँ, वो जीत जाएगा। अगर गैलेक्सी हार गया तो वो अपना वादा निभाएगा और क्लब छोड़कर चला जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। गैलेक्सी, किसी से पीछे रहना अच्छी बात नहीं है। इस काउ के बाद जीत मेरी होगी। मैं और नहीं देख सकता। ओह नो कैप्टन, ये क्या कर रहे हैं? कैप्टन अपनी स्पीड कम नहीं कर रहे। क्या हर कीमत पर वो थंडरिंग हॉक को खतरे में डालेंगे? क्या गैलेक्सी ऐसा करने वाला है क्या? ये डिमोन इंजन क्या करने वाला है ये मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता, पर इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। एक मिनट रुको, ये गिना नहीं जाएगा। बताओ ये तुमने कैसे किया? क्या ये सबने देखा? तुमने देखा नहीं क्या? ये नहीं हो सकता कि थंडरिंग हॉक क्रैक पर ड्राइव कर सके। तुमने जरूर कोई काला जादू किया होगा। तुमने चीटिंग की है झूठे कही के। अगर तुम्हें द फ्लोटिंग टेक्निक्स ब्लैक मैजिक लगती है तो लगने दो बेशक। द फ्लोटिंग टेक्निक? जब कार स्टेबल होती है तब व्हील्स उसका वजन उठाता है, जब कार एक्सेलरेट करती है तब ये ब्रेक टर्न करती है और उसका डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है। जब डायरेक्शन टिल्ट हो जाता है तो कार मूव कर सकती है। इसका मतलब यह है कि कुछ सिचुएशन में कार वेटलेस हो जाती है। वेटलेस हो जाती है? राइट, टाइम पर मूवमेंट करके क्रैक को अवॉइड कर सकते हो तुम। हाँ तुमने तो काफी अच्छा खेला। मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम ही जीतोगे और तुम जीत गए। देखा ना, हो गया ना कमाल। गैलेक्सी तुम बहुत ही बढ़िया थे, तुमने आज बहुत अच्छा किया। रॉय, सिंडी, मैं हार गया हूँ, अब मुझे जाना होगा। इस रेस का कारण यही था कि मिस्टर मटेरा इस टीम को रीबिल्ड करना चाहते थे ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक साथ काम करके बहुत ही बेहतर बन सके और फिर हम गैलेक्सी रेसिंग के कंपटीशन में पार्ट लेकर हम उसे जीत सके। तो गैलेक्सी रॉय को टीम से नहीं निकालना चाहता? टीम को छोड़कर जाने के बारे में सोचो और खुद को डिसाइड करो। रॉय तुम किस्मत वाले हो, गैलेक्सी तुम्हें टीम से नहीं निकालना चाहता। हाँ, तुमने हमें छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। रॉय तुम आज अमेजिंग थे, हम सब शॉक में पड़ गए थे। अंदर आओ, ब्रेक लो और कुछ फल खाओ। मैं तुम्हारे आगे बहुत छोटा हूँ ना, तो मैं नहीं खाऊंगा। इसलिए तुम चाहते हो कि वो टीम से बाहर हो जाए? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ फ्रूट्स खा लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। वैसे आज की मैच बहुत ही शानदार रही, आज तो मजा आ गया। हालांकि रॉय को टीम छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, पर वो बहुत निराश हुआ होगा क्योंकि गैलेक्सी ने उसे हरा दिया। तुम क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। रेस में हारने के बाद रॉय पर गहरा असर हुआ, इसीलिए वो रोज प्रैक्टिस करता है ताकि वो इसके बारे में सोचना छोड़ दे। जब कार स्टेबल होती है तब व्हील्स उसका वजन उठाता है, जब कार एक्सेलरेट करती है तब ये ब्रेक टर्न करती है। अगर गैलेक्सी अपनी कार के साथ ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। इसका मतलब यह है कि कुछ सिचुएशन में कार वेटलेस हो जाती है। ओह नो, उसने कैसे किया? राइट मोमेंट को टाइम करके क्रैक को अवॉइड किया जा सकता है और क्रैक को अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। रॉय इस रेस में हार गया है, पर उसे उम्मीद है कि वो उसे फ्यूचर में जरूर हराएगा। वो खाना पीना छोड़कर रेसिंग की रिसर्च में जुट जाता है ताकि रेसिंग के बारे में सीख सके। ग्रैंडपा को लगता है कि उन्होंने रॉय को हिम्मत देनी चाहिए। ग्रैंडपा उसे क्या सिखाएंगे?